जय बद्री विशाल

नहीं नहीं मैं कन्हैया तो कुमार की फोटो है मैम जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इनशाला इनशाला मैम ये जोड़ेंगे भारत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जनता द्वारा दागे प्रश्नों को सुनकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत बोखला गई अगर कोई कांग्रेस प्रवक्ता को सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करता है तो यह मैडम तिल मिलाकर अपना आपा खो बैठती हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रिया मैम है कि मैम आप बार बार जो मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं तो आप लोग अपनी पार्टी पे कब ध्यान देंगे अपनी पार्टी को कब बिल्डअप करेंगे आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वो अलग सा मोटिव लेके आए जिससे मोदी जी को लोग वोट ना देकर आपकी पार्टी को वोट दे अब वो कब करेंगे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से और सरकार से सवाल पूछने का काम करती है मैं मेरा भी सवाल आपसे है कि जो पूछ कि जो आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस का तो ठीक है जो राहुल राहुल जी ने जो लाल चौक पे वो झंडा फहराई है वो आप मोदी जी की सक्सेस मानती है या नहीं बिल्कुल भी नहीं उसमें मोदी जी का क्या सक्सेस है मैम मेरा क्वेश्चन आपसे अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था तो आप वो मान के ये क्यों नहीं मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी मैम आई डोंट नेम रिपोर्ट लाइक आपने व्हाट्सएप पढ़ा हुआ अब मैं व्हाट्सएप नहीं रिपोर्ट आप क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर ऑफ देखिए अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जा होनी चाहिए वोल रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एन लिखा जाके चेक कर लीजिएगा और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं विदेश में छपी बातों पर तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा येबर्टस केजीबी की पूर्व चीफ उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा उसमें मैं आरोप हाँ, नहीं लगा हूं सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा एजेंट थी वगैरह 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 वो सारी बात छोड़िए और के जीबी एंड पार्ट टू मित्रोकिन सरकाई वसेली मित्रोकिन की किताब 2006 में उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था सत्तर के दशक में भी जो एक के ने उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पर और जॉन ग्रिट की किताब, में, क्या -क्या लिखा? जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था अगर आप और नवंबर उन्नीस सौ इक्यानवे स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए अगर आप छपी छपाई बातों पर जांच करवाना चाहते हैं विदेश में तो बताइए फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा एक जवाब दे लीजिए फिर सवाल घटिया बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहां पे दिया है और बताती हूं क्यों पांच बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे नहीं कह रहा रही मैंने बहुत कैबियट के साथ बोला नहीं बोली थी चुप रही है मैंने, मैंने कैबिनेट के साथ मैं बोला मैं नहीं बता रहा लीजिए पांच बार की उसमें दावा करिए केजीबी पे जाके पांच बार की चुनी हुई सांसद पर अरे अगर छपे छपाए पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबरा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विदेश की डॉक्यूमेंट्रीबी भाई विदेश की बात आप कर रहे थे विदेश की बात मैं भी कर रही हूं विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी यूट्यूब पर दिख रही थी सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे सक पक आ गए सख्ते में आ गए क्योंकि साहब कहते हैं डोंट ऐसे बोल रहे थे ये बात नहीं है बात असल में यह है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो उतना ना समझते हो लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी यहां पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे पिछले पांच साल में और ये आंकड़े के साथ बोल रही हूं जम्मू कश्मीर में सात आतंकी हमले हुए एक सौ नागरिक मारे गए हैं और शहीद जवानों की संख्या 306 है और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों और हमारी सरकार ने क्या किया रेड कर रहे थे अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा सौ बिलियन डॉलर हो गया है हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं लो अपनी सेना को दो और सवाल आपसे मैम भारत जोड़ा यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम कन्हैया कुमार की फोटो है, जो नारे देते है कि भारत होंगे हजार इनशाला इंशाला मैम ये जोड़ेंगे भारत मैं आप में आपसे आपने जिस तंत्र में पूछा मैं आपसे भी पूछती हूँ आपको ये पता है की अमित शाह जी से फोन रख दो आपको यह पता है अमित शाह जी से कहा तो... गया टुकड़े टुकड़े गैंग अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है जहां पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन मैम ये जोड़ेंगे जो अच्छा नौ साल <laughs> से एक मिनट अंजना <laughs> जी माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए नौ साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के नौ साल से स्कैम स्कैम कहा जाता था अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते नौ साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए फैक्ट सर अभी हाल ही में एक चीनी कंपनियों को बैन किया गया और इसी साल चीन का ट्रेड भी है इंडिया से और ज्यादा बढ़ गया एक तरफ आप कहते हैं कि आप चीन को आंख दिखाएंगे और दूसरी तरफ आप चीन से व्यापार भी कर रहे हैं लाल आंख सीता माता पे भी दाग लगा था जबकि वो पवित्र थी फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देकर साबित करना पड़ा था की वो सही है तो क्या अडानी को अग्नि परीक्षा देकर साबित करना चाहिए की वो सही थे मोदी जी को मैम मतलब अभी चाइना की बात की तो मैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और चाइना का एमओयू क्या था 2008 का मैम वो बता दीजिए और 2010 में मैम अडानी साहब को जो ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिली थी मैम उससे पहले कौन दौरे पे गया था वो बता दीजिए अच्छी बात आपने पूछी जो 2010 में माइंस मिली थी के बावजूद सुप्रिया मेम से मैं बतौर छात्र मीडिया छात्र सवाल पूछना चाहूँगा क्या राहुल गांधी अडानी और हेडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे इस शो के पहले हम लोग एक और तीन हाँ, तीन, तीन लाग, लाग, इस शो के पहले हम लोग एक और शो कर रहे थे उसमें 25 प्रतिशत भारत की जनता ने बेरोजगारी को पच्चीस ने महंगाई को 6 परसेंट ने कृषि को 6 परसेंट ने गरीबी को देखा है पैंसठ परसेंट लोग इन बड़े मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है दो का चुनाव उस पर होगा बनाम पैंसठ करोड़ के विज्ञापन के जो पैंसठ करोड़ के विज्ञापन देकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं और मोदी चालीसा पढ़ी जाती है चुनाव उस पर होगा असल मुद्दों वर्सेस विज्ञापन मोदी नाम केवलम बीजेपी की यही कहानी सर्वे की ये बात कर रही उसमें मोदी जी को बासठ परसेंट लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने और राहुल जी को चौदह हो गया अभी चौवन हो गया वैसे आजा, फिर भी राहुल गांधी जी चौदह कितने बढ़े हैं बता दीजिएगा नहीं, तो नहीं नहीं आपको सोचा मैं बता मेरा ये कहना है मैं बता देखिए अंतर क्या है इस देश में चुनाव इसके बारे में होगा एक तरफ वो नेता जिसने जीवन के प्रारंभ से शैशव काल से देश के लिए काम करने का व्रत लिया और पिछले आठ सालों से उसने दुनिया के सामने दिखाया स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं और दूसरी तरफ वो होंगे जिनको परिवार में भी चाहता तुझे कुछ तुझे दुझे दुझे और भी दू दो नंबर तक ही पहुंचा पाए बेचारे नंबर